नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे क्रिकेट ऑफ एसजी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंडिया वुमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वुमेन मैच के बारे में। साउथ अफ्रीका वुमेन ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का निर्णय लिया। बैटिंग करने आए इंडिया वुमेन में स्मृति मंधाना जल्दी आउट हो गए। स्मृति मंधाना ने 7 बॉल पर 7 रन बनाए थे। उसके बाद हरलीन देओल भी 8 रन बनाकर चले गए। रोड्रिक्स ने 0 रनों पर आउट हो गई। देविका ने 16 बॉलों पर 9 रन बनाकर आउट हो गई। वहीं ओपन करने आए यस्तिका भाटिया ने 34 बॉल पर 35 रन बनाए थे। दीप्ति शर्मा और अमनजोत कौर ने पारी को संभाला। दीप्ति शर्मा की बात करें तो 23 बॉल में 33 रन बनाए हैं और मनजीत कौर की बात करें तो 23 बॉल में 41 रन बनाए। इंडिया वुमेन 6 विकेट गवाकर साउथ अफ्रीका को 148 रनों का टारगेट दिया 20 ओवरों में। वहीं दूसरे इनिंग्स की बात करें तो साउथ अफ्रीका वुमेन के बैट्समैन इंडिया वुमेन के सामने घुटने टेक दिए। साउथ अफ्रीका वुमेन की बल्लेबाजी का बात करें तो केप ने 22 गेंदों पर 22 रन बनाए। सुन लास ने 30 गेंदों पर 29 रन बनाए। चायन ने भी 20 गेंदों पर 26 रन बनाए। बाकी के बेस्टमैन कुछ खास नहीं चला। इंडिया वुमेन की बॉलिंग के बात करें तो दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए। देविका विद्या ने 2 विकेट लिए। राजेश्वरी ने 1 विकेट लिए। राधा यादव ने 1 विकेट लिए। साउथ अफ्रीका वुमेन के बैट्समैन ने 20 ओवरों में 9 विकेट गवाकर सिर्फ 120 रन बना पाए। इसी के साथ इंडिया वुमेन ने 27 रनों से मैच जीत लिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।